जैसे ही हर 2 दिन में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने की खबर मिलते रहती है, वैसे ही आजकल इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाले का भी काफ़ी बोलबाला है। अभी तक हमारे देश में काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च हो चुकी है, पर उसमें से सक्सेस कुछ ही को ही मिली है, जैसे रिवोल्ट RV 400 और रिवोल्ट RV 300। और अगर दूसरा इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो कबीरा का KM 3000 और KM 4000, जो अभी काफ़ी चर्चे में है। पर अब आ रही है सबसे पावरफुल, सबसे तेज, सबसे स्टाइलिश कंपनी का नाम है ऑक्सा एनर्जीज, और उनका पहला बाइक का नाम होगा ऑक्सा मंतीज। तो आज हम इसी बाइक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या खास है इसमें। तो आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे नोटिफिकेशन आपके सामने आते रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी अपना ऑपरेशन 2015 अगस्त में शुरू किया था और 2019 में इंडिया बाइक वीक में इसे पेश किया था। कंपनी एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसका फाउंडर रंजिता रवि, विनायक भट्ट और प्रजावत सबनीस है। तो चलिए अब बाइक के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो ये बाइक एक ऑल इलेक्ट्रिक बाइक मंतीस है जिसकी टॉप स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर और रेंज की बात करें तो ये 200 किलोमीटर की रेंज इसमें हमें देखने को मिलेगी। इसमें 9 किलोवाट का बैटरी पैक है जो 1.5 kWh के 6 छोटे मॉड्यूल से बना है। ये मॉड्यूल स्वैपेबल है और प्रोप्राइटरी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको BMS बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। बैटरी रेगुलर पोर्टेबल चार्जर से चार्ज हो सकती है और फुल चार्ज की बात करें तो ये फुल चार्ज होने में 3.5 आवर का टाइम लगाता है जो कि एवरेज है। मोटर की बात करें तो इसमें 25,000 वाट का मोटर इसमें लगा हुआ है। डुअल चैनल ABS है और डिस्क ब्रेक इसमें बोथ साइड दिया हुआ है, आगे और पीछे। टायर की बात करें तो दोनों टायर इनके ट्यूबलेस हैं। अब हम बात करते हैं कुछ अलग फीचर्स की। तो बाइक में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइड एनालिटिक्स, डायग्नोसिस और मेंटेनेंस के लिए एक मोबाइल ऐप दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पीड, रेंज, बैटरी चेंज सबका इंफॉर्मेशन शो करता है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी स्पोर्टी और थोड़ा हटके है। इसमें LED हेडलाइट का भी इस्तेमाल किया हुआ है जो कि थोड़ा डिफरेंट है। 2 राउंड लाइट इसमें आपको देखने को मिलेगा बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस के लिए। सस्पेंशन की बात करें तो 41mm का फ्रंट फॉक्स सस्पेंशन दिया हुआ है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंस भी दिया गया है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस होगी ये 3 लाख के आसपास हो सकती है। हालांकि अभी भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट प्राइस को लेके नहीं हुई है, बट आने वाले दिनों में हमको इसका फिक्स प्राइस भी सामने आ जाएगी। अब बात करते हैं कंपटीटर की बात करें तो इसकी सीधी टक्कर अल्ट्रा वायोलेट F77 से होगी जिसकी टॉप स्पीड 147 किलोमीटर पर आवर होगी और 0 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सिर्फ 3 सेकंड में पकड़ सकती है। इसके अलावा रिवोल्ट RV 400 और कबीरा KM 4000 से भी हो सकती है। हालांकि ये दोनों बाइक इसके कंपेरिजन में काफ़ी लो वेरियंट के हैं। लंचिंग की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जो लंचिंग है ये 11 अगस्त 2021 को हो सकती है। हालांकि अभी तक फिक्स डेट अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, बट हम आशा करते हैं कि ये अगस्त 2021 में इसकी लंच हो सकती है। तो आशा करते हैं आपको बाइक के बारे में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, नए न्यूज़ के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।